लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 8 प्रेषण पर लिखे। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटू का आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयं पाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। धन्यवाद। प्रश्न 1, सामान्य हानि क्या है? उत्तर, वस्तु की प्रकृति के अनुसार उसकी स्वाभाविक हानि को सामान्य हानि कहा जाता है। इसे रोकना संभव नहीं होता है। प्रश्न 2, सामान्य हानि का लेखा किस प्रकार करते हैं? उत्तर, सामान्य हानि के लिए कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाती है, बल्कि माल की कुल लागत को शेष रही अच्छी इकाइयों की लागत माना जाता है। प्रश्न 3, बिना बिके माल के मूल्य को किस प्रकार ज्ञात करते हैं? उत्तर, प्रेषण पर भेजे गए माल की कुल लागत में कुल इकाइयों की संख्या का भाग देकर बिना बिके माल का मूल्य ज्ञात किया जाता है। प्रश्न 4, असामान्य हानि क्या है? उत्तर, माल की ऐसी हानि जो लापरवाही या असामान्य कारणों से होती है, उसे असामान्य हानि कहते हैं। प्रश्न 5, असामान्य हानि के कौन से कारण हैं? उत्तर, चोरी, आग से नष्ट, खराब पैकिंग से टूट फूट आदि असामान्य हानि के कारण हैं। प्रश्न 6, असामान्य हानि की गणना किस प्रकार की जाती है? उत्तर, 1, मार्गस्थानी और 2, प्रेषणी के गोदाम में हानि। इन 2 प्रकारों से असामान्य हानि की गणना की जाती है। प्रश्न 7, मार्गस्थ असामान्य हानि क्या है? उत्तर, प्रेषण के पश्चात मार्ग में हानि या प्रेषणी के गोदाम में पहुंचने से पूर्व माल की हानि मार्गस्थ असामान्य हानि है। माल के लागत मूल्य में अनुमानित परेशक व्यय जोड़कर असामान्य हानि ज्ञात कर लेते हैं। प्रेषणी के खर्चे नहीं जोड़े जाते हैं। प्रश्न 8, प्रेषणी के गोदाम में असामान्य हानि क्या है? उत्तर, इस असामान्य हानि में माल का लागत मूल्य, प्रेषक के खर्चे तथा प्रेषणी के अनावर्ती प्रकृति के खर्चे आनुपातिक जोड़कर ज्ञात करते हैं। प्रश्न 9, असामान्य हानि का लेखा कैसे होता है? उत्तर, प्रेषण पर होने वाली हानि को प्रेषक वहन करता है, अतः इसका लेखा केवल प्रेषक की पुस्तकों में होता है। प्रश्न 10, प्रेषणी पर होने वाली हानि को कब वहन करता है? जब प्रेषण पर हानि प्रेषणी की लापरवाही से होती है तो प्रेषणी स्वयं वहन करता है। प्रश्न 11, क्षतिग्रस्त माल को विक्रय योग्य बनाने पर हुए खर्च का लेखा किस प्रकार किया जाएगा? उत्तर, 1, प्रेषण खर्च मानकर प्रेषण खाते को डेबिट करना, 2, क्षतिग्रस्त माल लागत में जोड़ना और 3, बिना बिके स्टॉक की लागत में जोड़कर लेखा किया जाएगा। प्रश्न 12, प्रेषण का संयुक्त साहस में परिवर्तन होने पर लेखे किस प्रकार होंगे? उत्तर, ऐसी दशा में प्रेषण पर बिना बिके माल का स्टॉक संयुक्त साहस खाते में स्थानांतरित कर संयुक्त साहस की तरह लेखे किए जाते हैं। प्रश्न 13, विक्रय विवरण क्या है? उत्तर, प्रतिनिधि प्रेषणी माल भेजने के बाद प्रधान को जो हिसाब भेजता है उसे विक्रय विवरण कहते हैं। प्रश्न 14, सूचनार्थ बीज क्या है? उत्तर, प्रेषक द्वारा प्रेषणी को माल भेजते समय सूचना के तौर पर जो कच्चा बीजक बनाकर भेजा जाता है उससे कम मूल्य पर प्रेषणी माल नहीं बेचे। प्रश्न 15, प्रेषण खाता क्या है? उत्तर, प्रेषण द्वारा
प्रतिनिधि को माल भेजने की प्रक्रिया में जो खाता बनाया जाता है वह प्रेषण खाता है। प्रश्न 16, परिशोध कमीशन यानी डेल क्रेडिट क्या है? उत्तर, प्रेषक द्वारा प्रेषणी को उधार बेचे गए माल की राशि वसूल करने के एवज में दिए जाने वाला अतिरिक्त कमीशन परिशोध कमीशन कहलाता है। प्रश्न 17, अतिरिक्त अधिभावी कमीशन क्या है? उत्तर, बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे गए माल पर अधिमूल्य पर दिया जाने वाला कमीशन अतिरिक्त अधिभावी कमीशन कहलाता है। प्रश्न 18, प्रेषणी के पास बिना बिका स्टॉक क्या है? उत्तर, प्रेषणी के पास माल बेचने के बाद शेष रहे माल का लागत मूल्य जोड़ प्रेषक के आनुपातिक खर्चे जोड़ प्रेषणी के आनुपातिक खर्चे जोड़ने के बाद ज्ञात किया जाता है। उसे बिना बिका स्टॉक या प्रेषणी के पास स्टॉक के नाम से जानते हैं। प्रश्न 19, सामान्य हानि क्या है? उत्तर, प्रेषण के द्वारा वस्तु की प्रकृति से जो हानि होती है, जैसे कोयला सूखना, लकड़ी सूखना, गुड़ सूखना आदि को सामान्य हानि कहते हैं। प्रश्न 20, असामान्य हानि क्या है? उत्तर, प्रेषण व्यवहार के दौरान अचानक कोई हानि होती है, जैसे चोरी होना, आग में नष्ट होना, बाढ़ से नष्ट होना आदि असामान्य हानि है। प्रश्न 21, प्रेषण खाते की प्रकृति कैसी है? उत्तर, प्रेषण खाते की प्रकृति अवास्तविक खाते की है। प्रश्न 22, प्रेषक और प्रेषणी के बीच कैसा संबंध होता है? उत्तर, प्रेषक और प्रेषणी के बीच प्रधान और प्रतिनिधि का संबंध होता है। प्रश्न 23, प्रेषणी द्वारा माल बेचने के बाद बनाकर भेजे जाने वाले हिसाब को क्या कहते हैं? उत्तर, प्रेषणी द्वारा माल बेचकर जो हिसाब भेजा जाता है उसे विचित्र विवरण कहते हैं। प्रश्न 24, प्रेषण में प्रेषणी के पास बिना बिका माल रहते के मूल्यांकन में कौन सा व्यय अनुपातिक व्यय होता है? उत्तर, चुंगी व भाड़ा बिने बिके रहते में मूल्यांकन में अनुपातिक व्यय के रूप में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न 25, बीजक और सूचनार्थ बीजक में क्या अंतर है? उत्तर, बीजक विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाता है, जबकि सूचनार्थ बीजक प्रेषक द्वारा प्रेषणी को दिया जाता है। प्रश्न 26, परिशोध कमीशन एवं अधिभावी कमीशन में क्या अंतर है? उत्तर, डूबत ऋण का दायित्व यदि प्रेषणी लेता है तो इस कार्य के लिए उसे दिया जाने वाला अतिरिक्त कमीशन परिशोध कमीशन है, जबकि प्रेषणी बीजक मूल्य से अधिक पर माल बेचता है तो इस अधिमूल्य पर दिया जाने वाला कमीशन अधिभावी कमीशन कहलाता है। धन्यवाद।